दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PK एजुकेटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को लेकर। यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंतिम ईयर्स का जो परीक्षाओं का मामला है वो प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, मामला PM मोदी तक पहुंचा है। छात्र और जो राजनीतिक संगठन है, कुछ पार्टियाँ और कुछ राज्य सरकारें लगातार अंतिम ईयर्स की परीक्षाओं का विरोध कर रहे थे कि इस कोरोना काल में परीक्षाएँ ना कराई जाएँ, लेकिन UGC ने गाइडलाइंस जारी कर दी कि अंतिम वर्ष की परीक्षा करानी ही होगी और वो अपनी UGC अपनी गाइडलाइंस पर अड़ गए। तो इस वजह से अब ये मामला प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा है। क्या होने वाला है देश भर के विद्यार्थियों के लिए, ये बड़ी खबर है इस वीडियो में। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो राज्य सरकारें और छात्रों के अलावा देख लीजिए, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिनांक 10 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है कि सेवा में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार, विषय देख लीजिए UGC द्वारा नई गाइडलाइन के अनुसार सितंबर में होने वाली विश्वविद्यालयों में परीक्षा को रद्द करने हेतु। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पत्र लिखा है। क्या है पत्र में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना की चपेट में आता जा रहा है, और दुखद खबर यह है कि भारत अब विश्व में कोरोना के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। कोरोना की महामारी के चलते देश इस समय आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते देश के लोगों को आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आम जरूरत से लेकर उनका रोजगार और आर्थिक स्थिति बहुत प्रभावित हो चुकी है और आगे भी होने वाली है। इतने लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के कारण पहले ही छात्र असमंजस में हैं कि आने वाले समय में शिक्षा प्रणाली किस तरह से काम करेगी। ऐसे समय पर UGC द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है कि सितंबर के महीने के आखिर में विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा ले सकते हैं। अब अगर छात्र शिक्षण संस्थानों में जाकर परीक्षा देंगे तो कोरोना की बीमारी होने के आसार बहुत बढ़ जाएंगे और ऐसे में स्थिति भयावह भी हो सकती है। COVID-19 महामारी के दौर में जब अधिकतर छात्र अपने घर पर हैं और हर एक छात्र के पास परीक्षा देने के लिए जरूरी साधन के तौर पर इंटरनेट, वाईफाई, लैपटॉप, एंड्रॉयड फ़ोन भी उपलब्ध, शिक्षा में सबको सामान्य अवसर मिलना चाहिए। परंतु अगर ऑनलाइन परीक्षा भी कराई गई तो देश के कोने कोने से, दूर सुदूर गांवों से, पहाड़ी इलाकों में रह रहे छात्र इस परीक्षा के माध्यम से कहीं परीक्षा देने से वंचित ना रह जाएं। हमें हर एक छात्र के बारे में सोचना है। हर एक छात्र का भविष्य हमारे लिए अनमोल है। जब बहुत सारे प्रदेश जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और हरियाणा भी शामिल हैं, जहां छात्रों के लिए परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है, ऐसी स्थिति में देश के हर एक छात्र को प्रमोट और पास किया जाना चाहिए ताकि इस महामारी के दौर में हम अपने छात्रों के ऊपर से मानसिक तनाव और असमंजस को खत्म कर सकें। अतः आपसे अनुरोध है कि इस पत्र पर संज्ञान लें और जो नई गाइडलाइन आई है उस पर पुनर्विचार किया जाए। छात्रों की परीक्षा कोरोना की महामारी को देखते हुए रद्द की जाए और हर एक छात्र को प्रमोट और ग्रेस मार्क्स के साथ पास किया जाए। तो दोस्तों ये दिल्ली की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिसमें उन्होंने अपनी सारी बातें रखी हैं और साथ ही उनसे रिक्वेस्ट किया है कि फिर से जो गाइडलाइंस आई हैं उन पर फिर से पुनर्विचार किया जाए और परीक्षाओं को रद्द करके छात्रों को प्रमोट और ग्रेस मार्क्स के साथ पास किया जाए। इसको लेकर जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा है, तो उनकी भी न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देना चाहता हूँ। तो देखिए, राहुल गांधी भी ने भी कहा है कि सुने छात्रों की आवाज़, कोरोना काल में ना हो परीक्षाएं। राहुल, नई दिल्ली का ये पेपर है, नई दिल्ली अमर उजाला पेपर है, आप ये न्यूज़ जाके ऑफिशियल रीड कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करते हुए सरकार और UGC से छात्रों को पिछले प्रदर्शन के आधार पर पास करने का अनुरोध किया है। UGC पर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा, कोरोना संकट में परीक्षा करना अनुचित होगा, UGC को छात्रों की आवाज़ सुननी चाहिए। एक वीडियो संदेश में राहुल ने कहा, कोरोना से कई लोगों को नुकसान पहुँचा है। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर। छात्रों, अभिभावकों के साथ साथ अब राजनीतिक पार्टियाँ और कुछ राज्य सरकारें, जैसा कि वीडियो में आपने देखा, लगातार UGC की गाइडलाइंस का विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि उनको पेपर रद्द करने चाहिए और सभी छात्रों को प्रमोट करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।